चलो बच्चे आप ही ध्यान दो, आज का जो टॉपिक है अपना कौन सा है, समय और दूरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हर हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ना। तो अभी तक आपने टाइम एंड वर्क देख लिया है, टाइम एंड वर्क के बाद टाइम एंड डिस्टेंस है, इसके बाद आपके रेलवे के ऊपर पूरे प्रश्न लिए जाएंगे। लेकिन जो रेलवे के ऊपर प्रश्न है पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, बेसिक यहाँ से उठाना है। ठीक है, तो ये अच्छे से बता रहा हूँ तो अच्छे से समझ के चलना बच्चों। तो नॉर्मली समय और दूरी अगर इसके बारे में बात करें तो नॉर्मली जो दूरी डिपेंड होती है बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड होती है पता है आपको? जो दूरी रहती है वो पूरी पूरी समय और चाल के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर? समय और चाल के ऊपर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, समझ के चलो कहीं आपको जाना है, जितनी स्पीड से जितने ज्यादा समय तक चलोगे उतनी ज्यादा दूरी तय होगी। बराबर है क्या? जैसे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप 1 घंटे जाते हो तो 10 किलोमीटर चलोगे कितना? अगर 2 घंटे जाओगे तो 3 किलोमीटर, 3 घंटे चले तो 30 किलोमीटर। अगर यही स्पीड आपने बढ़ा दी तो स्पीड अगर समझ के चलो 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी तो 1 घंटे में कितना जाओगे? 40 किलोमीटर। 2 घंटे चलोगे तो 80 किलोमीटर। तो नॉर्मली बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, जो आपकी दूरी होती है, दूरी बराबर होता है आपका समय गुना में चाल। मतलब पूरी पूरी दूरी डिपेंड करती है कि आप कितने चाल से कितने समय तक चल रहे थे। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, कितने स्पीड से कितने समय तक चल रहे थे। तो ये फॉर्मूले के बाहर आपको कोई तीसरा फॉर्मूला याद नहीं करना है, पूरे टॉपिक में ये फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला हमें कोई करना नहीं है। अब देखो इस फॉर्मूले में भी कुछ बातों का ध्यान में रखना है। कैसे? अगर क्वेश्चन में दूरी, समय या चाल दी है तो उनकी कुछ इकाइयां होती हैं। क्या होती हैं? इकाइयां। वो इकाइयां क्या होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। देखो ये बात ध्यान में रखना, जब भी दूरी आपकी दूरी किलोमीटर में होगी, किसमें? किलोमीटर में। तब आपका समय किसमें होगा बच्चों पता है? तब समय आपका होगा घंटे में। किसमें होगा? घंटे में होगा। और जो चाल होगी वो क्या होगी? किलोमीटर घंटा प्रति घंटा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। एक नंबर का पॉइंट ये हो गया कि जब भी आपकी दूरी किलोमीटर में होगी तो समय किसमें होगा आपका? घंटे में होगा। चाल किसमें होगा? किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। ठीक है, ये एक बात आपको याद रखनी है। अगर सवाल में, दो नंबर का पॉइंट, अगर सवाल में समझ के चलो यहाँ पे जो आपकी दूरी है, अगर दूरी उसने दे दी है आपकी मीटर में, किसमें? मीटर में। बच्चों ध्यान में रखो, हाँ, अगर दूरी आपकी दे दी है मीटर में, किसमें? मीटर में, तो समय आपका किसमें होगा? सेकेंड में होगा। किसमें होगा? सेकेंड में होगा। और जो आपकी चाल होगी वो किसमें होगी? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ आपको करना नहीं है। दो बातें ध्यान में रखना हमेशा, कि आपको एक तो दूरी अगर मीटर में होगी तो आपका समय सेकेंड में होगा, और चाल आपकी किस में होगी? मीटर प्रति सेकेंड में। पहली कंडीशन आपको क्या बताई थी कि अगर आपकी दूरी दी है किलोमीटर में तो समय होगा घंटे में, और चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार सवाल में ना जो आपकी दूरी होगी किलोमीटर में होगी, समय मिनट में भी हो सकता है और सेकेंड में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? समय को बदलना होगा या तो दूरी को बदलना होगा। कई बार क्या होगा, चाल दूसरे में दी होगी, एक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। मतलब ये बात ध्यान रखना, सवाल सॉल्व करते समय उनकी जो इकाइयां होगी वो समान रखनी पड़ेगी। कैसे? दूरी किलोमीटर में है तो समय किस में रखना होगा बच्चों? घंटे में। अगर ये पता चल गया आपको तो इसके जो चाल आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी। क्लियर हुआ? इसके अलावा कुछ करना नहीं है। उसी तरीके से अगर आपकी दूरी मीटर में दी है तो समय आपका सेकेंड में होगा, और आपकी चाल आएगी मीटर प्रति सेकेंड में। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बेस पे कुछ बातें और समझ के चलो बच्चों, इसमें और एक्स्ट्रा क्या आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे बदलना है। ठीक है, अब बदलना क्या एग्जैक्टली? आपको पता है अगर आपकी जो चाल है किलोमीटर किलोमीटर में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या होता है बच्चों? इसको ही बदलना पड़ता है अपने को। पता है किसे बदलना पड़ता है? इसको बदलना पड़ता है मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है बच्चों, इसको ही बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड
का मतलब क्या होता है? आप देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है, इसका नॉर्मली अगर नॉर्मल मतलब देखेंगे तो ऐसा होता है, ये किलोमीटर बटे में क्या, घंटा। ठीक है, घंटे मतलब क्या होता है, समय होता है, और ये इसका मतलब होता है भाग में। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब मीटर बटे में कितना, सेकेंड। तो यहाँ पे जो बच्चों दिया गया है ना, कई लोग बोलते हैं कि इसको 5/18 से गुना करना या 18/5 से गुना करना, लेकिन 18/5 या 5/18 आया कहाँ से वो पता होना चाहिए ना। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है। देखो एक किलोमीटर में अगर मीटर देखेंगे बच्चों तो वो होता है 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मीटर। और यहाँ पे लिखा है 1 घंटा, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में ये बताओ सेकंड कितने होते हैं, 3600, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, मिनट होते हैं, और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, बराबर है। हमको क्या करना है कि ये 60 सेकंड, 60 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में बेटा देखना है, क्या देखना है, 60 मिनट में। तो 60 गुना में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है, 3600 सेकेंड। आप समझ में आए? अब ये जो 3600 सेकेंड है ना बच्चों, इसका ही यूज करना होता है। कैसे, देखो यहाँ पे आपने लिखा है कि 1 किलोमीटर बटे घंटा, ठीक है। अब जब इसको ही आप कन्वर्ट करते हो तो मीटर पर सेकेंड में कैसे आएगा, देखो 1 किलोमीटर को आपने 1000 लिखा बटे में, 1 घंटे को आपने सेकेंड में लिखा, तो ये कितना हो गया, 3600। अब जब इसको कट करने जाओगे ना बच्चों, तो देखो कैसे कटेगा ये, हाँ, तो ये क्या होगा, देखो ये होगा 2 0 से 2 0 कट गए, और 5 2 से कट गए, 2 5 10 और 18 2 36, मतलब ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। हाँ 18, ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो बच्चों क्या करना है पता है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना, जब अगला सवाल आएगा, अगला सवाल, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में, दो ही बदलना है। तो कैसे होगा, देखो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़े, तो बस एक बात ध्यान में रखना नॉर्मली। अब ये बताओ मुझे, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, किलोमीटर। देखो किलोमीटर पर आवर बड़ी इकाई है, क्या है, बड़ी इकाई है, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ये क्या है, छोटी इकाई है, ठीक है। थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, छोटी इकाई है, ठीक है। अब नॉर्मली हमने देखा है कि हमको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, किसे, 5/18 से, या फिर 18/5 से। अगर इन दोनों में देखेंगे छोटा बड़ा क्या है, इन दोनों में छोटा बड़ा क्या है, ये छोटा है, और 18 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखना, मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं पता है, इसके पीछे कुछ रीजन है। देखो किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर पर सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मतलब जब बड़ी इकाई को छोटा बनाना हो, क्या करना हो, छोटा बनाना हो, तब छोटी इकाई से गुना करो, तब क्या करना है, हाँ तब क्या करना है, देखो तब छोटी संख्या से गुना, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे, यहां पे लिखा था आपका किलोमीटर पर आवर, इसको बनाना है मीटर पर सेकेंड, तो छोटी संख्या कौन सी होती है बता दो मुझे जरा, 5। छोटी संख्या कौन सी है, 5, तो 5 से गुना करना है और बटे में क्या करना है, 18 कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। बेटा क्लियर हुआ?
ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब देखो एक चीज और इसमें, ये बड़ी इकाई को छोटा बनाना था। अगला इसमें ये आता है कि छोटी इकाई को देखो, यहां पे जब छोटी इकाई को बड़ा बनाना हो, तब क्या करेंगे? तब बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, बड़ी संख्या से गुणा। ठीक है, अब देखो बच्चों, बड़ी संख्या बोले तो 5 और 18 में कंपेयर करना हमेशा, 5 और 18 में। अब ये बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो मीटर पर सेकेंड को अपने को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? 18 बटे 5। तो ये आंसर जो आपका आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा? हाँ, किलोमीटर पर आवर में। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई लोचा? इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही पूरा खत्म हो गया यहाँ से टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ? देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, सवाल सॉल्व करेंगे ना। सवाल नंबर एक देखेंगे, सवाल नंबर एक क्या बोलता है? सवाल नंबर एक बोल रहा है, देखो बच्चों जो आपको बताया ना उसके बेस पे करना है, बाकी कुछ करना नहीं यहाँ पे। देखो सवाल एक बोला है कि यहाँ पे 3.1/3 मीटर प्रति सेकेंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा जाए, किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जाए, तो वो कितनी होगी? ठीक है, देखो सवाल पहला है, सवाल क्या बोला है? पहला मीटर पर सेकेंड दिया गया है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है? किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या बताया था आपको? देखो ये छोटा है कि ये छोटा है? मीटर छोटा है, मीटर छोटा है। अपने को क्या बनाना है? बड़ा बनाना है, तो बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये जो भी होगा मीटर पर सेकेंड इसको गुणा करना पड़ेगा, कितने से? 18 से, और बटे में क्या आ जाएगा? 5। गुना बड़ी संख्या से करना और जो बचेगा वो नीचे डाल देना। और यहाँ पे दिया क्या है? 3.1/3, मतलब 3.1/3। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा। बराबर बच्चों? यस और नो? ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कैसे आ जाएगा? 3 × 3 = 9 और 1 = 10। 10 बटे में कितना आएगा? 3। और यहाँ पे गुना में आएगा 18 बटे में 5। बराबर है? अब ये कट कर लो जरा, किससे कटेगा? देखो ये कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, और यहाँ पे 3 × 3 और 3 × 6 = 18। तो 2 का गुना 6 में करो कितना जाएगा? 12। मतलब आपका आंसर आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्या बच्चों? कितने नंबर का आंसर है? डी, ये चौथे नंबर का आंसर करेक्ट है ना? एक काम करो फटाफट, आप 2 नंबर का आप आंसर निकालो फटाफट, चलो अभी फास्ट। चलो अच्छा, 2 नंबर का सवाल देखो, 2 नंबर के सवाल में क्या बोला है कि 16 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा? मतलब ये 16 मीटर पर सेकंड में दिया गया है, अपने को कन्वर्ट कर किस में करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब क्या करना पड़ेगा? आप ये छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे, किलोमीटर प्रति आवर ये बड़ी इकाई है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब गुना बड़ी संख्या से करना पड़ेगा। तो कितने से गुना करेंगे? 18 से, और बटे में 5। तो आपको आंसर मिल जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में। बराबर बच्चों? अब इसको कट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्टली कट तो होगा नहीं, पॉइंट में जाएगा है ना? तो क्या करो, पहले गुना कर लो, 16 × 8 = 128, हासिल किए कितने? 12। 16 × 16 = 12 = 28, 28 बटे में कितना आ जाएगा? 5। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 3 बचेंगे और यहाँ पे 38, 5 × 7 = 35, 0.5 × 6 = 30, मतलब 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड आ जाएगी बच्चों, है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? सी वाला इसका आंसर करेक्ट है, 57.6। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। देखो सवाल नंबर 3, सवाल
सवाल नंबर तीन दिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को हमें किस में बदलना है बच्चों, रफ्तार किसके समान है, मतलब यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया। अब ये बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, मतलब हमें किस में इकाई में बनाना है, छोटी इकाई में, किस में बनाना है, छोटी। आप छोटी देखेंगे तो छोटी संख्या से गुना करो 5 और बटे में क्या आएगा 18, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आंसर मिल जाएगा बच्चों, बराबर है। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो 18 एकम 18, 18 3 54 और जब 3 का गुना 5 में करोगे तो 3 5 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है क्या बच्चों, कितने नंबर का आंसर है, बी, ये आपका देखो आंसर दिया गया है, क्लियर है। इसके बाद सवाल नंबर अगर आप 4 देखोगे, सवाल नंबर चार तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी गई है, ठीक है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, मीटर पर सेकंड मतलब बड़ी इकाई में ऑलरेडी दिया, इसको क्या बनाना है, छोटा बनाना, छोटा बनाना है तो कौन संख्या से गुना करेंगे, छोटी संख्या से, मतलब 5 से गुना करेंगे ना, जब 5 से गुना करोगे ऐसा हो जाएगा 5 और बटे में कितना 18 और ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 18 एकम 18 18 चौक 72, अब 8 का गुना 5 भी करेंगे तो 8 5 40 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, 18 चौक 72। देखो यहाँ 4 आ जाएगा, 18 चौक 72, तो 4 का गुना करेंगे तो 4 5 20, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा बच्चों, है ना, ये 20 आ जाएगा। देखो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन में दिया है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल दिया है, देखो ए वाला आंसर करेक्ट है, क्लियर हो बच्चों, ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। अब 5 नंबर का सवाल देखेंगे तो उसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, चाल, यहाँ पे चाल दी नहीं बच्चों, अभी तक चाल दी थी तो हमको कन्वर्ट करना था सिर्फ, यहाँ पे ना चाल निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले शुरुआत में एक सूत्र बताया था आपको, वो सूत्र क्या था वो बताया था आपको कि दूरी बराबर होता है समय गुना में 4, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने का नहीं याद करना बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न में क्या क्या दिया पहले वो देख लो, देखो वो समय दिया गया है, कितना दिया है, 5 मिनट दिया है, बराबर है। इसके बाद आपका डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 600 मीटर दिया है, बराबर, और चाल अपने को निकालनी है। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो चाल और मीटर का मिनट का यहाँ पे गुना है, तो ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि चाल बराबर होता है क्या आएगा, दूरी बटे में क्या आएगा, समय, बराबर है। फॉर्मूला मतलब लिख के बता रहा हूं आपको, और दूरी आपकी कितनी दी है, 600, ये मीटर में है, और जो समय दिया है वो किसमें दिया है, मिनट में दिया है, किसमें दिया है, मिनट, 5 मिनट में। तो बच्चों एक बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि अगर आपकी दूरी मीटर में होगी तो समय किसमें होगा, सेकेंड में होगा, किसमें होगा, सेकेंड में। जो ये 5 मिनट दिया गया ना बच्चों, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तब आपको चार मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 600 आपने लिखा मीटर, बटे में 5 मिनट था ना, तो 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पता है क्यों, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60, तो 5 मिनट में कितना होगा, 300। तो यहाँ पे डायरेक्टली गुना करो या फिर यहाँ पे आप कट कर लेंगे, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 6 कम 6 6 दाम 60, तो यहाँ पे बचा 10 बटे में कितना, 5, जब इसको कट करोगे तो 5 एकम 5 5 दुनी 10, जो आपकी ये दूरी आई ना बेटा, ये सॉरी जो ये आपकी चाल आई ना, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे जो चाल बोली है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में बोली, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये बताओ 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये छोटी इकाई होती है, इसको बड़ी इकाई बनाना है तो कितने से गुना करेंगे, 18, मतलब बड़ी संख्या से गुना कर लेंगे और बटे में 5 आ जाएगा, तो आपकी जो दूरी आ जाएगी, सॉरी जो चाल आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ, अब क्या करेंगे, 18 दुनी 36 बटे में 5,
जब इसको आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा 5 7 35, एक बचा पॉइंट लगाए 10 हो गया, 5 2 10 मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आई बेटा। ऑप्शन में दिया गया है 4 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? पक्का? सवाल नंबर 6 देखो। देखो बेटा 6 नंबर का सवाल क्या बोला है कि एक धावक 200 मीटर की रेस को 24 सेकेंड में दौड़कर पूरा करता है, बताएं कि उसकी गति क्या है। ठीक है, वही पहला फॉर्मूला जो आपको बताया है, वो दूरी बराबर क्या होती है? समय गुना में चार। समय गुना में चार। ठीक है, अब सवाल में क्या क्या दिया वही आपको लिखना है। देखो सवाल में आपको दूरी दे दी है, कितनी है? 200 मीटर। आपने 200 मीटर लिखा, बराबर में जो समय दिया आपका वो सेकंड में दिया है, 24 सेकंड दिया है, और उसने चाल पूछी है। तो यहाँ पे बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मीटर में दिया और ये सेकंड में दिया है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी को बदलना नहीं है। तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय, मतलब ये इस तरफ गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में, मतलब 200 बटे में कितना? 24। तो ये जो चाल मिलेगी आपको आएगी मीटर पर सेकेंड में, किस में आएगी? मीटर पर सेकेंड में। अब इसको क्या करना है आपने को, किलोमीटर प्रति घंटे में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, मतलब छोटी इकाई को बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे? 18/5 से। तो ये जो हो जाएगा आपका वो 200/24 गुना में 18/5, ये करना है, मतलब ये सवाल के हिसाब से देखना आपने को क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको ना आगे कट कर लेंगे, क्या करेंगे? कट करेंगे, ये 6 से कट रहा है, देखो 6 3 18 और 6 4 24 बराबर है। अब यहाँ पे 4 × 5 करेंगे तो 4 5 20 कट रहा है, तो कट कर लो 4 5 20, ये 50 डाले बराबर का, अतः 5 × 5 5 5 50 मजे उर्ला का है 10 × 3 मजे कहला 30 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्पीड आ गई इसकी। देखो ऑप्शन में दिया है क्या, 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर अगर 7 में देखेंगे बच्चों, क्या बोला है, एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को एक मोटर चालक 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है, कितने? 2 घंटे 10 मिनट में। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि जो आपकी दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है? 65 किलोमीटर। कितनी? 65 किलोमीटर। समय आपका जो दिया गया है वो 2 घंटे 10 मिनट, और उसने पूछा क्या है? चाल क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये चाल लिखा आपकी, उसकी चाल क्या होगी, बराबर है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई सबकी समान कर लेनी है। देखो यहाँ पे 65 किलोमीटर दिया है तो 65 किलोमीटर में ही रखना है, और उसकी यहाँ पे ऑप्शन में प्रति मिनट पूछा है, क्या बोला है? उसकी गति प्रति मिनट में क्या होगी। बच्चों ये बात ध्यान रखना, प्रति मिनट में क्या होगी, मतलब ये जो समय दिया है ना उसको मिनट में करना है, किसमें करना है? मिनट में। और इसको जो किलोमीटर दिया है वो किसमें कर लेंगे? मीटर में कर लेंगे। अब ये बताओ यहाँ पे चाल निकालने के लिए नॉर्मली हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 65। अब किलोमीटर दिया है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, मतलब ये कितना हो जाएगा? 65000 मीटर बटे में आ जाएगा। अब ये 2 घंटे 10 मिनट है, अब 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। 2 घंटे में 120, और 120 और 10 कितना हो जाएगा? 130 मिनट हो जाएगा। बच्चों इतना क्लियर हुआ? जब इसको आप कट करोगे तो कट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो मीटर पर मिनट में आएगा। तो 0 से 0 कटे, 13 × 13 13 5 65, 5 और ये 2 0 बचे थे, तो 500 मीटर पर मिनट 500 मीटर पर मिनट। देखो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर करेक्ट दिया गया। क्लियर है बच्चों? सवाल नंबर 8 देखो, सवाल नंबर 8 बोलो, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया वो,
समझ में आया, क्योंकि पूछा नहीं गया और जो पूछा गया उसके हिसाब से हमें सवाल करने हैं। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर का। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी पर 25 सेकंड में तय करता है। मतलब एक व्यक्ति ने क्या किया, जो दूरी है ना 150 मीटर, आप सवाल में पुट अप कर लो, दूरी 150 मीटर है, समय कितना दिया है 25 सेकंड दिया है, 25 सेकंड, और चाल पूछी है। अब चाल पूछी है लेकिन किस में पूछी है चाल, अब ये सवाल आता है। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर आपका आ जाएगा 150 बटे में कितना, 25। ये जो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में होगी, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाना है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाना है, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, छोटी इकाई को बड़ा बनाना है तो बड़ी संख्या से गुना, 18, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटी संख्या से गुना, 5, ठीक है, तो उसको उल्टा कर लेना, तो इसका आंसर है किलोमीटर प्रति आवर में। अब देखो कैसे, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 18 छक 108, तो यहाँ पे आ जाएगा चाल आपकी 108 बटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कट करो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 3 बचेंगे और 5 एका 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति आवर दिया ऑप्शन में बच्चों, कहाँ पे दिया है, बी, ये इसका आंसर करेक्ट दिया गया है। कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें, पक्का? अगला सवाल देखो, अभी सवाल नंबर कौन सा है, अभी 9 नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या क्या दिया, देखो सवाल नंबर 9 में दिया है, एक समान रफ्तार से एक गाड़ी गाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे एक फ्लाईओवर को 2 मिनट में पार करता है, कितने मिनट में, 2 मिनट में, लंबाई कितनी है 1600 मीटर, ठीक है, पार करता है, तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी, चाल पूछा है, तो नॉर्मली फॉर्मूला वही हमारा, दूरी बराबर समय गुना में चाल, ठीक है, इसी फॉर्मूले में सब रखना है अपने को। दूरी दे दी है 1.6 किलोमीटर, समय कितना दिया आपका, 2 मिनट दिया है, और चाल निकालनी है, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 1.6 बटे में 2 मिनट, यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे मिनट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है, सबसे पहले दूरी पूछी किसमें, ये देख लो, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, ये ना पहले मिनट को सेकंड में करो सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो 1.6 किलोमीटर है, तो ये मीटर कितना आ जाएगा, 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर लिखे। अब ये 2 मिनट है तो सेकंड में लिखेंगे कितना, 120। ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में, किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें बनाना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, छोटे को बड़ा बनाना है, तो बड़ी संख्या से क्या करेंगे, गुना, और छोटी संख्या से भाग दे देंगे, ले रहे बच्चों। अब इसको कट कर लो डायरेक्ट यहाँ से, अब जब कट करोगे इसको कैसे कटेगा, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 12 से कट कर सकते हो इसको, 12 से नहीं कटेगा शायद, है ना, 6 से कट कर लो, 6 3 18 और 6 2 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा पता है, 160 और गुना में 3 और नीचे बचेगा 5 2 10, ये 0 से 0 कट गया, 16 3 48 किलोमीटर प्रति आवर ऑप्शन आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है बच्चों, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम इसमें, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर का, सवाल नंबर 10, हाँ अगला सवाल देखेंगे बच्चों, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में क्या बोला है, उसने बोला है अगर अंबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे चाल दी गई है, दौड़े तो वो 400 मीटर दूरी कितने समय में तय करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी दे दी है कितनी है, 400 मीटर, समय अपने को निकालना है,
और चाल उसने दे दी है, क्या दी है, 20 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर हुआ? जब इसको सॉल्व करोगे तो समय बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 400 बटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है बच्चों, अब यह ध्यान में रखना, ये आपका मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमें चाल को ना बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है, इसको छोटी इकाई में कन्वर्ट करना है, तो छोटी संख्या से गुना करेंगे बराबर क्या, छोटी संख्या से गुना करेंगे, और छोटी संख्या कौन सी है, 5, तो जाएगा 5 बटे में 18। अभी 18 ना यहाँ पे नीचे भाग में, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये कैसे होगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 400 गुना में 18 और बटे में कितना, 20 गुना में 5, 20 गुना में 5। अब इसको कट कर लो, देखो अब इसको कट कर लो, जो समय आपको मिलेगा डायरेक्टली किसमें मिलेगा पता है, वो किसमें समय आएगा, मिनट में आएगा कि सेकंड में, सेकंड में आएगा। देखो कैसे, 20 दुनी 40, ये 20 आया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 सेकंड आएगा, क्या आएगा ऑप्शन में है क्या 72 सेकंड, नहीं दिया है। अब ये 72 सेकंड है ना बच्चों, सेकंड को किसमें कन्वर्ट करेंगे पता है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, मिनट में, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। तो 72 को जब 60 से डिवाइड करोगे ना, तो 60 एक 60 कितने बचेंगे, 12 बटे में 60। जब इसको कट करोगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, मतलब एक पूर्णांक 1/5 मिनट लगेगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। यहाँ तक बच्चों करेक्ट हुआ सबका, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो सवाल नंबर 11 देखेंगे ना, सवाल नंबर 11 में क्या दिया सबसे पहले पढ़ लो, उसने बोला है एक निश्चित दूरी को अमित 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, फॉर्मूला पहला जो सेम फॉर्मूला वही, वो क्या बताया था आपको, दूरी बराबर समय गुना में चाल, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला याद करने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें दूरी दी है 4 किलोमीटर, कितने 4 किलोमीटर, देखो दूरी 4 किलोमीटर, समय क्या दिया यहाँ पे 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, और चाल निकालनी है सबसे पहले, क्या निकालनी है, चाल। ठीक है, तो चाल क्या एग्जैक्टली वो अपने को पता चल जाएगा। इसके बाद आगे बोला इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना है, तो बेटा यहाँ पे दूरी दी है, कितनी दी है 4 किलोमीटर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, सवाल अपन ने गलत लिखा है, यहाँ पे पहले दूरी निकालनी है ना, हाँ पूरा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेटा दूरी निकालनी है, दूरी नहीं दी हो तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है, तो यहाँ पे दूरी निकालना है, तो समय दिया है 2 घंटे 45 मिनट, और जो चाल दी है आपकी वो दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, ये जो फॉर्मूला है इसमें डाल के मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। देखो जो आपका समय दिया 2 घंटे 45 मिनट दिया, तो डायरेक्टली इसको क्या करो, घंटे में कन्वर्ट करो, किसमें, घंटे में। अब यहाँ पे लिखा है 2 घंटे तो बराबर लिखा गया है, और जो 45 मिनट है अगर इसको देखेंगे, अपने को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो 45 मिनट बटे में 60 किए, तो ये भी घंटे में आ गया, किसमें आ गया, घंटे में आ गया। जब इसको कट करोगे कितने से कट जाएगा, 15 त्रिक 45 और 15 चौक 60 और गुना में 4 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस, देखो अब इसको 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, तो ये 2.75 आ जाएगा, और गुने में 4 कर लो, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा पता है, दूरी मिल जाएगी, जो दूरी आएगी वो आएगी 4 × 5 = 20, हासिल के 2, 4 × 7 = 28, 29 = 30, हासिल के 2, 4 × 2 हासिल के 3, 4 × 2 = 8 और 3 = 11, 0.1 डाला दिए, तो ये किलोमीटर आ गई।
मतलब ये जो दूरी आई बच्चों कितनी आई, 11 किलोमीटर आई, कितने 11 किलोमीटर। अब अपने को पता चल गया है कि दूरी आ गई अपने 11 किलोमीटर, तो उसने बोला इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है तो कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए क्या आ जाएगा, दूरी बटे में चाल। दूरी अपने को पता है कितनी है 11 किलोमीटर, चाल कितनी है, कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, ये आपकी किलोमीटर में दी है और ये किलोमीटर प्रति आवर में दी है, बराबर है। अपने को इसको सॉल्व करना है, ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बताओ, ये घंटे में आएगा, किस में आएगा, घंटे में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर, देखो यहाँ पे किलोमीटर कट गया तो ये 11/12 आवर आएगा, क्या आएगा, आवर आएगा। ये जो घंटे है ना इसको मिनट में कन्वर्ट करो, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो इसको कितने से गुना कर लेंगे 60 से। जब इसको 60 से गुना करोगे तो ये मिनट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मिनट में, तो ये कट जाएगा। 12 × 12 = 60, 11 का गुना 5 में करोगे तो 55 मिनट समय लगेगा, कितना 55 मिनट। तो जो 11 किलोमीटर दूरी है तय करने के लिए 55 मिनट लग जाएगा बच्चों, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड।